पूर्व विधानसभा विधान परिषद के माननीय सदस्यगण और इस विलय समारोह में उपस्थित आप सब लोग और यहां इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सब पत्रकार मित्रगण, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं तो सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज ये खुशी की बात है, पिछले बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी और जो रालोसपा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं भाई उपेंद्र जी, उनके साथ भी इस चुनाव के बाद कई बार चर्चा होती रही, बातचीत होती रही। वशिष्ठ भाई से सबसे ज्यादा चर्चा होती रही और जो कुछ भी दृश्य उपस्थित हुआ इसके लिए मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी आज एक पार्टी बनाकर उसके नेता हैं, इनके साथ में बड़ी संख्या में लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका रिश्ता सबसे पुराना रिश्ता है। यहां में से सब लोग, चाहे जनता दल यू के हो, कोई लोग हो, सबको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हुई और जब बातचीत हुई हमारे पार्टी के अन्य साथियों से भी जब चर्चा होती थी, सब लोगों को इस बात के लिए प्रसन्नता हो रही थी कि भाई उपेंद्र जी अब अगर ऐसा सोच रहे हैं और मन में ये बात है कि जो उन्होंने पार्टी बनाई है उस पार्टी को अब जनता दल यू के साथ कर लें और मिलकर के हम लोग काम करेंगे, मिलकर के लोगों की सेवा करेंगे, ये भावना बढ़ती चली जा रही है। उसको लेकर के मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने पार्टी में जिन लोगों को मालूम होता था सब लोग बड़ा खुश होते और हमको भी अच्छा लग रहा था कि भाई इसमें होता है। लेकिन जब हम लोगों की बातचीत होती थी तो हमने शुरू में ही कहा था कि भाई सबसे पहले अपने पार्टी के सभी साथियों से जरूर बात कर ली, सब लोगों की सहमति बनेगी, बहुत अच्छा होगा। और यही बात हुई और इन लोगों ने अपने स्तर से भी बातचीत की और कल और आज मीटिंग की और उस मीटिंग में करने के बाद यह निर्णय हुआ कि रालोसपा का मर्जर विलय जनता दल यू के साथ होगा। यह कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इसलिए आप सब लोग जो यहां पर आए हैं और जनता दल यू को भी बड़ी खुशी है, अब हम सब एक हैं, पहले भी एक थे फिर एक हैं और मिलकर राज्य की और देश की सेवा करेंगे, हर प्रकार से मिलकर काम करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं। और जहां तक विचार जो भी है सब लोगों को मालूम है, जो भी साथी हैं उनको हम कहेंगे कि हम सब लोगों को निरंतर मेहनत करना चाहिए, लोगों के बीच में काम करना चाहिए और एक एक चीज को ठीक ढंग से प्रचारित करना चाहिए। आजकल जो सोशल मीडिया पर बहुत सारा अनाप शनाप चीजों का लोग प्रचार करते हैं, अब ये तो किसी को अधिकार है जो भी कहे, लेकिन हम बराबर अपने साथियों को भी और कहीं भी सार्वजनिक रूप पर इस बात को कहते हैं कि भाई अपनी तरफ से भी पूरी बात, अगर कोई गलत बात करता है तो उसका उत्तर भी दे दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉजिटिव चीज है, सकारात्मक चीज है, उसकी चर्चा पूरे राज्य में होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। आजकल तो एक आदत हो गई, कहीं किसी तरह से मतलब नहीं है, बाहर से बैठ करके कुछ कुछ अपना लिख दिया, अब उसका क्या मतलब है, लोगों को ठीक ढंग से पता है। और पहले हम लोग काम करते थे और एक एक चीज की जानकारी लोगों तक पहुंच जाती थी, आजकल लोगों को गुमराह करने की कोशिश होती है। तो मैं तो अपने सभी साथियों को कहता हूं, आप सब लोगों को पुनः मैं इस बात को कहूंगा कि आप सब लोग भी जो सच्चाई है उसको लेकर के लोगों के बीच में जरूर पहुंचाइए। लेकिन कई तरह के लोग होते हैं, हम कभी हम देख रहे थे
अब इनकी पार्टी मीटिंग कर रही थी, निर्णय कर रही थी, और आज कितनी बड़ी संख्या में सब आ गए हैं यहाँ। यहाँ तो सबको मालूम था, बसीस भाई कह रहे थे कि भाई हम लोगों के भी पार्टी के करीब करीब 150 लोग आएंगे और उनके तरफ से भी 150 लोग आएंगे और यहाँ पर मीटिंग होगी। था जरा देख लीजिए कि कितने लोग और क्या निकल रहा था। कल कुछ अखबार में हम देख रहे थे, कुछ लोग किनके साथ जा रहे थे और वो कह रहे थे कि अकेले हैं। भाई ठीक तो है, तो आप समझ सकते हैं। और कल मुझे हंसी आ रही थी कि कुछ लोगों की तो आदत है भाई कुछ करना और ना तो है नहीं, लेकिन इन्हीं सब चीजों की बात करना तो खैर ठीक है, जो जिस प्रकार से जिसको अच्छा लगता है करते हैं, हमको कोई एतराज इन सब चीजों पर नहीं है, अपना अपना काम करते रहिए। लेकिन आप जान लीजिए, सेवा करनी है तो सबसे बड़ी चीज है कि समाज में प्रेम का और भाईचारे का भाव पैदा करना चाहिए। और शुरू से आप जानते हैं कि हम लोग हर प्रकार से लोगों के बीच में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा करते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। और ये बहुत जरूरी है, इस काम की भावना मन में रखनी चाहिए, सब लोगों को मिलाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के कोई समस्या है उसका हल करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आप जानते हैं जब से काम करने का मौका मिला है, और आप सबको मालूम है कि किस तरह से पार्टी बनी, जॉर्ज साहब के नेतृत्व में जब काम हुआ, हम लोगों ने उस समय से जो काम करना शुरू किया और उसके बाद पहले से भी काम कर रहे थे, लेकिन अलग जब पार्टी 1994 में जॉर्ज साहब ने बनाया, हम लोग साथ गए समता पार्टी, और बाद में फिर समता पार्टी और जनता दल का एक हिस्सा मिला, जनता दल यू बना, और मिलकर के हम लोग काम करते रहे सब जगह, अनेक राज्यों में सब जगह पर काम करते रहे। लेकिन हम लोगों का मकसद क्या रहता, सब लोगों के बीच में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल पैदा करें। और इतने दिनों से आप देख लीजिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, समाज में किस तरह से लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, और पहले किस प्रकार का वातावरण कायम रहता था, आज वो वातावरण नहीं है। चंद लोग तो गड़बड़ करेंगे। आदमी जब पैदा होता है तो आप इतिहास देख लीजिए, जब से दुनिया है तब का इतिहास जो भी उपलब्ध है देखिएगा, कुछ न कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही हैं। लाख चाहिएगा, ऐसा संभव ही नहीं कि सब लोग ठीक हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो कुछ तो इधर उधर करेंगे, तो कुछ तो बाएं दाएं होता रहेगा। लेकिन आप आम तौर पर देखिए किस तरह से आज ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेम और भाईचारे के माहौल में रहते हैं। 90% लोग, मुझको तो लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से लोग चल रहे हैं, लेकिन चंद लोग तो समाज को कष्ट में लाने की कोशिश करते ही रहेंगे, तो एक अलग बात। हम लोग राजनीति करते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति का मतलब राजनीति नहीं है, राजनीति का मतलब चुनाव नहीं है, राजनीति का एक व्यापक अर्थ है, समाज के हर तबके के प्रति आपको अच्छी भावना रखनी चाहिए, समाज के सब लोगों को एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब हम लोगों का उद्देश्य है, और मिलकर काम करें। आज तो बड़ी खुशी है कि भाई अब तो उपेंद्र जी आ गए और सब लोग आ गए, अब मिलकर के और मजबूती से काम करिएगा। इस सब चीज के बारे में कुछ सोचना नहीं है, और इनका स्वाभाविक है, उन्होंने कहा कि एक बार हमने मन बना लिया कि अब तो हम पूरे तौर पर एक साथ रहेंगे, हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन अरे भाई, आपका कोई ख्वाहिश नहीं है ठीक है, लेकिन हम लोग तो सोचेंगे ना कि हम लोगों को मिलकर के काम करना है, और आपकी भी प्रतिष्ठा है, आपकी भी इज्जत है, आपकी भी हैसियत है। ये जब बात तय हो गई तो आज ही आपको लोग जारी भी कर देंगे, और जो हमारी इच्छा थी उसी इच्छा का पालन करते हुए आरसीपी सिंह ने पत्र भेज दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को तत्काल प्रभाव से, मतलब जस्ट अभी से, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से
ऐसा नहीं कि 14 तारीख के बाद से, आज ही से और अभी से ये जनता दल यू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे।